केंद्रीय विद्यालय में आज से चालू हुए सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में निर्धारित समय से देरी से पहुंचने पर 10वीं के छात्र को परीक्षा केंद्र में जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद वहां उपस्थित अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की खबर सुनकर विद्यालय प्रबंधन ने बच्चे को परीक्षा केंद्र में बुलाया, उसके बाद स्थानीय थाने को सूचना दे दी। हम 10 मिनट बस थोड़ा सा लेट हो गए थे सर, और वो भी इसका गलती नहीं है सर। ये लड़का घूम करके आया होगा, वापस भेज दिया सर, गेट वहां रुका और फिर अंदर जाने के बाद 10 से 15 मिनट लेट हुआ सर। एक घंटा नहीं दिएगा, हम अब कुछ कर लेंगे, हम नहीं जी। लड़का बोला कम से कम साल बर्बाद हो रहा है सर, बताइए हम लोग क्यों नहीं एक्शन ले रहे। विनोद नगर देने का लिख दिया, दो दो जगह से घूम के आया है। अभी लड़का का क्या गलती, आप सर खुद ही देखिए। एडमिट कार्ड है किसी के पास? एडमिट कार्ड देखे जरा, एडमिट कार्ड है सर। आप सर देखिए, आप सर डीएवी सिजुआ में पढ़ने वाले मोहम्मद जावेद का परीक्षा केंद्र धनबाद के विनोद नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में पड़ा। प्रवेश पत्र में केंद्रीय विद्यालय का पूरा पता नहीं होने के कारण वो इधर उधर भटकता रहा, जिसके बाद सही केंद्र पर पहुंचने पर उसे वहां तैनात गार्ड द्वारा ये कहते हुए रोक दिया गया कि अब देर हो चुकी है और वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, जिसके बाद वहां उपस्थित अभिभावकों का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने हो हल्ला करना शुरू कर दिया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा इसकी सूचना तत्काल स्थानीय थाने को दी गई। वहीं परीक्षार्थी ने बताया कि सुबह से उसके पेट में दर्द थी। घर से निकलने के बाद वो दूसरी परीक्षा केंद्र में पहुंच गया, क्योंकि प्रवेश पत्र में सही अंकित पते का नहीं था और उसे खोजने में इसी वजह से दिक्कत हो रही थी। सर दिक्कत ये था कि मैंने 15-10 मिनट लेट हो गई थी, तो प्रिंसिपल सर पास गया, तो मैंने प्रिंसिपल सर को बोला सर प्लीज़ मेरा जिंदगी लाइफ का सवाल है सर अंदर कर लिए। तो उन्हें बोले नहीं, तुम ऑनलाइन ये होता है वो एबसेंट तुम्हारा लग गया। हम बोले सर ऐसा कैसे हो सकता सर, उसी में हमको वापस भेज दिया। एक घंटा फिर बैठा के रखा, फिर वापस भेज दिया गया, हमको एग्जाम नहीं दिया गया सर। लेट इसलिए हो गया था, तो मेरा सुबह पेट में दर्द था, हम उठे थे 7:30 तो सेंटर मेरा सर रॉन्ग दे दिया था। मतलब हम खोजते खोजते सर हम वहाँ कुसुम बिहार तरफ गए, एक पाथलडी में भी केंद्रीय विद्यालय वहाँ पर भी चल गए। वहीं विद्यालय प्रबंधन ने इस बात को नकारते हुए कहा कि प्रवेश पत्र में दिया गया पता बिल्कुल सही है। बच्चे को पूर्व में भी कहा गया था कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही वो केंद्र में पहुंच जाए। तो कुछ नहीं था, एग्जाम देने बच्चा आया था लेकिन लेट आया। बच्चे को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में पॉजिटिवली एंट्री कर जाना चाहिए क्लास रूम, एग्जामिनेशन रूम। एवं पेरेंट्स को भी ये जागरूक हो जाना चाहिए कि बार बार इस तरह का केस जो होता है, इवन दिन धनबाद में 2 दिन पहले ही हुआ था, फिर भी पेरेंट्स ने जगह नहीं, पेपर में दिया जा चुका था कि लेट आ रहा है। लेट किसी भी कीमत पर सीबीएसई कंसीडर नहीं कर सकता है और मैं भी कंसीडर नहीं कर पाऊँ। देखिए इस हालात के लिए उनके माँ पिताजी को अपना बच्चे के बारे में संभालना चाहिए, जो भी स्थिति है उनको कोऑपरेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए एंड समय रहते हुए उसको काउंसिलिंग करना चाहिए, ना कि एग्जाम के दिन ही हालात खराब हो जाता है सर। एडमिट कार्ड के अंतर्गत गलत एड्रेस नहीं है, एडमिट कार्ड के अंतर्गत उसी एड्रेस से चल रहा, ओल्ड डीबीएस बिल्डिंग के नाम से ही ये बिल्डिंग चल रहा, जबकि हम लोग लिखे हैं विनोद नगर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 विनोद नगर। केवल मात्र इस बच्चा का ही ओल्ड डीबीएस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर 694 का रजिस्टर्ड लिस्ट है, सारे बच्चे टाइमली आकर के परीक्षा लिख रहे हैं, एक बच्चे को ही कैसे ओल्ड डीबीएस का पता चल गया? मैं इस पर सहमत हूँ, एड्रेस गलत, ओल्ड डीबीएस का बिल्डिंग का एड्रेस सही है और ओल्ड डीबीएस बिल्डिंग के नाम से विनोद नगर पर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 धनबाद अभी तक चल रहा है, सारा डॉक्यूमेंट्स उसी के आधार पर आ रहा है, जा रहा है।